हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुफिड फॉर ऑल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट 5 और ये चल रहा है हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर का। ओके, तो कल के लेक्चर में हमने देखा था क्वेश्चन 8 से लेके क्वेश्चन 12 तक, और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। एंड क्वेश्चन 13 इज ईच कार्ड बियर्स वन लेटर फ्रॉम द वर्ड मैथमेटिक्स। द कार्ड्स आर प्लेस ऑन ए टेबल अपसाइड डाउन। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए कार्ड ड्रॉन बियर्स द लेटर एम। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सैम्पल स्पेस लेंगे। द सैम्पल स्पेस फॉर द लेटर इन द वर्ड मैथमेटिक्स, इन द वर्ड मैथमेटिक्स, सो एस इज इक्वल टू एम ए टी एच ई, एम ए टी आई सी एंड एस। ओके, तो एन ऑफ एस यहाँ से हमें मिलता है 11। ओके, देन लेट A be the event of getting a card drawn bears the letter M। ठीक है, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस कार्ड की जिसमें लेटर लिखा रहेगा M। ठीक है, सो यहाँ पे ए का सैम्पल स्पेस मिलेगा हमें। तो एम यहाँ पे कितनी बार आया है देखिए, 1 एंड 2। ठीक है, तो एम कॉमा एम, सो एन ऑफ ए, टोटल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 1 एंड 2। देयर फोर पी ऑफ ए इज इक्वल टू होता है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 2 बाय 11। ठीक है, तो 2 बाय 11 टाइम्स इतनी प्रोबेबिलिटी रहेंगी। ठीक है, मतलब जिस कार्ड पे एम लिखा रहेगा। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 14। आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स फ्रॉम ए स्कूल 135 लाइक कबड्डी एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स डू नॉट लाइक द गेम। इफ वन स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स सिलेक्टेड डजंट लाइक कबड्डी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे दिए है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 200। ठीक है, मतलब 200 ये टोटल स्टूडेंट्स है। ठीक है, उस स्कूल्स के उसमें से 135 लाइक करते हैं कबड्डी को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स दैट लाइक कबड्डी इज इक्वल टू 135। अब यहाँ पे ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो पसंद नहीं करते कबड्डी को, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से 135 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डोंट लाइक कबड्डी इज इक्वल टू 200 माइनस 135 इज इक्वल टू 65। ओके, सो द प्रोबेबिलिटी, अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट्स सिलेक्टेड डजंट लाइक कबड्डी, doesn't like kabaddi is equal to, अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, जिनको कबड्डी लाइक मतलब पसंद नहीं है वो स्टूडेंट्स, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो यहाँ पे आएगा 65 अपॉन 200। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 13 बाय 40। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 15। ए टू डिजिट नंबर इज टू बी फॉर्म
फ्रॉम द डिजिट्स 0, 1, 2, 3 एंड 4 रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म इज ए प्राइम नंबर, नंबर टू मल्टीपल ऑफ 4 एंड मल्टीपल ऑफ 11. ओके, तो यहाँ पे हम सैम्पल स्पेस बना लेते हैं पहले. सो द टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 with repeating digits. मतलब हमें यहाँ पे डिजिट को रिपीट करना है, ठीक है. सो देयरफोर एस इज इक्वल टू, तो सबसे पहला नंबर कौन सा बनेगा यहाँ पे, टू डिजिट नंबर 1010, ठीक है. देन वन का वन के साथ, देन वन का टू के साथ, मतलब 11, देन 12, देन 13, 14, ठीक है. देन उसके बाद में टू का जीरो के साथ लेंगे हम 20, 21, 22, 23, 24, देन 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43 एंड 44. ओके, तो यहाँ पे एन ऑफ एस हमें मिलता है 20, ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. ओके, तो इस तरह से हमें एन ऑफ एस यहाँ पे मिल रहा है 20. तो यहाँ पे एन ऑफ एस आ चुका है. अभी हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर सो फॉर्म इज ए प्राइम नंबर, ठीक है. मतलब क्या संभावना हो सकती है कि जो नंबर फॉर्म हो रहा है वो प्राइम नंबर रहेगा, ठीक है. सो फर्स्ट लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर इज ए प्राइम नंबर. ओके, सो ए इज इक्वल टू, तो इस सैम्पल स्पेस में से सबसे पहले हम यहाँ पे प्राइम नंबर लिख लेंगे. तो प्राइम नंबर मतलब क्या होता है, ऐसे नंबर जिनको वन से एंड वो खुद से डिविजिबल हो, ठीक है. तो यहाँ पे आएगा 11, 11 में हम सिर्फ 1 एंड 11 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है. देन 13, नेक्स्ट 23, देन 31, 41 एंड लास्ट वन इज 43, ठीक है. सो यहाँ पे एन ऑफ ए 6, देयरफॉर पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस. सो एन ऑफ ए कितना है हमारे पास में 6, अपॉन एन ऑफ एस कितना आया था 20. तो पी ऑफ ए इज इक्वल टू कितना आएगा टोटल, सो यहाँ पे लिखेंगे हम 3/10. ओके, तो इतनी संभावना रहेंगी कि जो नंबर फॉर्म होगा वो प्राइम नंबर रहेगा. ओके, सो सेकंड में बोला गया है मल्टीपल ऑफ 4. ओके, लेट बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4. तो 4 के मल्टीपल में यहाँ पे सैम्पल स्पेस में क्या क्या आ रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे b इज इक्वल टू 12, देन नेक्स्ट 20, 24, 32, 40 एंड 44. ओके, सो यहाँ पर भी हमें n ऑफ b मिलता है 6. ओके, तो p ऑफ b यहाँ से क्या होगा, p ऑफ b इज इक्वल टू n ऑफ b अपॉन n ऑफ s इज इक्वल टू 6 बाय
20 इज इक्वल टू 3 बाय 10, ओके। एंड सेम यहाँ पे करना है मल्टीपल ऑफ 11, ओके। तो 11 के मल्टीपल में हमें देखिए ये एक मिल रहा है, उसके बाद में 22, 33 एंड 44, ठीक है। तो यदि आप सी विद द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर इज मल्टीपल ऑफ 11 लेते हो, तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू में मिलेगा 11, 22, 33 एंड 44। तो एन ऑफ सी यहाँ से आएगा 4, ओके। तो पी ऑफ सी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू एन ऑफ सी अपॉन एन ऑफ एस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक है। सो 4/20 इज इक्वल टू 1/5, ओके। तो ये हो गया आपका थर्ड, इस तरह से इसे करना था। देन क्वेश्चन लास्ट, क्वेश्चन नंबर 16, द फेसेस ऑफ ए डाई बियर नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, इफ द डाई इज रोल्ड ट्वाइस देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 0, ओके। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक डाई दिया है जिसे हमें दो बार रोल करना है, ओके। तो यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 0, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सैम्पल स्पेस निकाल लेते हैं, एस इज इक्वल टू, यदि हम दो डाई रोल करते हैं, ठीक है, तो हमें यहाँ पे आउटकम्स क्या मिलेंगे, 0, एक के ऊपर 0 है तो दूसरे के ऊपर क्या है, दूसरे के ऊपर भी 0 रहेगा, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। उसके बाद में पहला 0 ही रखते हैं, है ना, मतलब 0 के साथ 0, 1, 2, 3 इस तरह से। तो यहाँ पे आएगा 1, देन 0 के साथ में 2, नेक्स्ट 0, 3, 0, 4, 0, 5, ठीक है। अभी हम 1 के साथ 0 लेंगे, 1, 0, 1, 1, 1, 2 इस तरह से, ठीक है। तो आखिर में हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, तो आखिर में हमें मिलेगा 5 का 5 के साथ इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे एन ऑफ एस हमें मिलता है 36, ओके। सो लेट ए बी द इवेंट दैट गेटिंग द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज 0, देयरफॉर ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पे किस किस का प्रोडक्ट 0 आएगा, तो पहला आता है 0, 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा, देन 0, 2, 0, 3, नेक्स्ट 0, 4, 0, 5, देन 1, 0, नेक्स्ट 0, 0, ठीक है, उसके बाद में 2, 0, 3, 0, 4, 0 एंड लास्ट 1, 5, 0, ठीक है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, देयरफॉर एन ऑफ ए यहाँ से मिलता है 11, देयरफॉर पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, सो पी ऑफ ए इज इक्वल टू 11/36, दिस इज द आंसर, ओके। तो इस तरह से हमें करना था, बहुत ही सिंपल है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 इज एक्टिविटी बेस्ड, तो ये आप खुद कर लेना क्वेश्चन नंबर 17, ओके। सो थैंक यू वेरी मच।